हेलो फ्रेंड, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अनीताल हेल्प पर। और मेरे वीडियोस को देखने के लिए एंड तक ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड। मैं आज एक नई रेसिपी के साथ मैं अनीता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। सो चलिए मैं दिखा रही हूँ ये मेरी रेसिपी कैसी रेसिपी है, बहुत टेस्टी बनेगी। सो मैं आज चलिए बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। मैं गैस को कर लूँगी ऑन। फ्रेंड बुझ जाती है मेरी गैस, अब मैं ऑन कर ली हूँ। अब मैं कढ़ाई रख ली हूँ अपने गैस पर। अब थोड़ा सा स्लो कर लूँगी गैस को, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखूँगी। सो मैं अब कढ़ाई देख लीजिए हमारी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। अब तेल डालने के बाद फ्रेंड इसको हम तेल डालने के बाद फ्रेंड अब मैं चल रही हूँ, आप लोग मेरे वीडियो तक एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। सो मैं डालने जा रही हूँ जीरा। सो मैं जीरा डाल दूँगी। अब हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा मेरा जीरा। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें ये मेरा लहसुन है, अदरक है, कटी हुई प्याज है, कटे हुए मेरे ये टमाटर हैं। सो फ्रेंड आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहिए एंड तक ज़रूर देखिएगा कितनी टेस्टी रेसिपी है। सो नहीं देखेंगे तो आप लोग ये मेरे छोले मसाले हैं। सो मैं चल रही हूँ इसको अब बनाने। ये EMDS छोले मसाले हैं। सो फ्रेंड अब मैं डालूँगी ये लहसुन है मेरा, इसको मैं डालूँगी अपने कढ़ाही में। हल्का हल्का जीरा मेरा ब्राउन पड़ गया था। सो अब ये मेरा लहसुन भी हल्का हल्का ब्राउन पड़ जाएगा। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। तो अभी मेरा ये लहसुन ब्राउन पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं मेरा लहसुन जीरा थोड़ा थोड़ा ब्राउन पड़ रहा है। अब ये मेरी कटी हुई अदरक है और ये मेरी कटी हुई प्याज है। सो मैं अब पहले अदरक डालती हूँ फ्रेंड। ये मेरे अदरक है, हल्का लहसुन मेरा ब्राउन पड़ गया था। मैं ये एक मिनट तक अपना ये अदरक इसी में थोड़ा से मिल्ट करूँगी, चलाऊँगी। इसके बाद फ्रेंड ये मैं ली हूँ कटोरी। इस कटोरी में मैं अपने मसाले को घोल बना लूँगी। ऐसे फ्रेंड मैं निकाल लूँगी इसी कटोरी में निकालने के बाद मैं इसका घोल बना लूँगी। घोल बनाने से थोड़ा एक बार मसाला पकता है, मसाले पक जाने के बाद थोड़ा टेस्टी छोले बनेंगे। सो इतनी न्यू रेसिपी आप लोग ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा और खाइएगा। सो उंगली चाटते रह जाएंगे फ्रेंड। आप ज़रूर देखिए, ज़रूर इस वीडियोज़ को एंड तक देखिए। सो छोले के बनाने की तरीके बहुत इजीली तरीके से आप बना सकते हैं। सो मेरा ये लहसुन ब्राउन पड़ गया था, मैं डाल दी प्याज। अब प्याज डालने के बाद मैं इंतज़ार करूँगी, मेरा ऐसे ब्राउन प्याज भी हो जाएगा। सो फ्रेंड प्याज ब्राउन होने के बाद अभी मेरा ये ब्राउन हो रहा है प्याज। अब देखिए मैं मसाला का घोल बना ली हूँ। अब इसको ढक्कन से ढक दूँगी, प्लेट से ढक दी हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। सो इसकी खुशबू न उड़ पाई। ये मेरे कटी हुए धनिया है, ये मेरे कटे हुए टमाटर हैं। सो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड मेरे मसाले ये हैं। इसको तो देखिए ये सोख गया है, इसका पानी। सो ये मैं ली हूँ, ये मेरे मसाले हैं, टमाटर हैं। ये मेरे देखो हल्का सा ब्राउन पड़ रहा है कढ़ाई में। ये प्याज हल्का हल्का ब्राउन पड़ रहा है। सो थोड़ी देर तक मैं इसको और चला रही हूँ अभी। इसमें मेरे कुकर में रखे हैं मेरे छोले चने, मैं इसको उबाल चुकी हूँ। 20 से 25 मिनट मेरे छोले चने उबल चुके हैं कुकर में, प्रेशर कुकर में। अब मैं ये डालूँगी, ये टमाटर है मेरे। सो फ्रेंड मैं इसको डाल देती हूँ थोड़ी देर। मेरा वो लहसुन मिर्च प्याज जो है सब ब्राउन हो गया है। अब मैं टमाटर को डाल के थोड़ी देर तक इसको पकाऊँगी।
अब टमाटर को मैं ऐसे ऐसे चलाती रहूँगी फ्रेंड, कितना इजीली तरीके से बना रहे हैं फ्रेंड, कितना टेस्टी रहेगा आप लोग देखिए। मैं नमक डाल रही हूँ, सो अब ये मैं नमक डाल दी हूँ और अपने स्वादानुसार नमक डालिए। मैं अपने स्वादानुसार डाल रही हूँ नमक, जितना मेरे को ज़रूरत पड़ रही है, तो जितना हमारे घर में नमक खा रहे हैं लोग उतना मैं डाल रही हूँ। उसी हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से डालिएगा नमक अपने स्वादानुसार। अब मैं थोड़ा ढक्कन लगा के ढक दी हूँ, सो गैस को थोड़ा से स्लो कर दी। अब देखिए फ्रेंड मेरा ये मसाला पानी मिक्स कर ली, ये देखिए फ्रेंड मेरा ये थोड़ा थोड़ा तक ये टमाटर पक गया है, इसमें मसाले को मिक्स कर दी। अब थोड़ी देर के लिए इसमें मसाले भी पकाती रहूँगी, सो हल्का हल्का मसाला भी सब मिक्स हो रहा है, अच्छा कितना टेस्टी दिख रहा है। सो फ्रेंड आप लोग देखिए और इस तरीके से ज़रूर बना के खाइएगा मेरे तरीके से। ये मैं थोड़ा से हल्दी ऐड कर दी, सो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं। अब मैं छोले चने को अपने प्रेशर कुकर से निकाल ली हूँ, सो अभी गरम गरम निकाल रही हूँ फ्रेंड। अभी अभी देखिए आप लोग भाप निकल रहा था, अब मैं इसको अपने इसमें बने हुए मसाले में छोले चने डाल दूँगी, इसको चलाऊँगी फ्रेंड स्लो स्लो करके, धीमे से चलाती रहूँगी। कितना भाप दे रहा है फ्रेंड, सो मैं इसको चलाती रहूँगी। कितनी इजीली तरीके से बना दी फ्रेंड, इतना आसान तरीके से। अब इसमें मेरे बचे हैं जो छोले मसाले, उसको मैं ऊपर से मिक्स कर दूँगी। इतना इजी तरीके से और इतना टेस्टी फ्रेंड आप लोग ज़रूर बना के खाइएगा और उंगली को चाटते रह जाएंगे, इतना टेस्टी रहेगा छोला चना। सो आप छोले को देख लीजिए फ्रेंड मेरे, मैं इसे चला रही हूँ फ्रेंड, ऐसे मैं चलाती रहूँगी इसको थोड़ी देर के लिए, 4 से 5 मिनट तक मैं इसको चलाती रहूँगी ऐसे। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो मेरे छोले चने के पानी हैं, मैं इसको बाहर नहीं फेंकती, मैं इसी में मिक्स कर देती हूँ और थोड़ा सा जो ज़रूरत पड़ेगी मैं उबाल के पानी रखी हूँ सो उसको भी डाल ली हूँ थोड़ा से। अब आप लोग देख सकते हैं मैं इसको थोड़ी देर के लिए चला रही हूँ। सो फ्रेंड देखिए कितना टेस्टी छोला बन के मेरा रेडी होने वाला है। सो आप लोग अगर टेस्ट करिए फ्रेंड तो उंगली चाटते रह जाएंगे। सो मेरे तरीके से ज़रूर बना के खाइएगा और मेरे वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। सो मैं डाल दी धनिया की पत्ती, अब इसको मैं देखिए फ्रेंड मेरा छोला बन के हो गया है रेडी, कितना टेस्टी दिख रहा है फ्रेंड। आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड मेरे। मैं अब गैस को स्लो कर दी हूँ, बंद ऑन ऑफ कर दी हूँ अपनी गैस को। सो आप लोग देखिए मेरा छोला हो गया है तैयार। अब मेरे